नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। देखिए दर्शकों, भूमि पुत्र ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:37 पर मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का ये गोचर काफी लंबे समय के लिए हो रहा है, इसलिए ये गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का रहेगा। देखिए दर्शकों, ये गोचर कुल मिलाकर 7 महीनों के आसपास के लिए रहेगा, तो ये आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपके लिए इसके परिणाम बहुत ही जानने जरूरी हैं, क्योंकि कुछ मामलों में तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, परंतु कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है। तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और सुनिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि मंगल किस चीज के कारक ग्रह माने जाते हैं। ये ऊर्जा, जोश, जुनून के कारक ग्रह होते हैं। एक तरह से मंगल का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। देखिए, इनका प्रवेश होगा 20 अक्टूबर को कर्क राशि में। यहाँ पर वो काफी लंबे समय के लिए रहेंगे। उसके बाद ये 7 दिसंबर को वक्री भी होंगे कर्क राशि में ही। इसके बाद वापस ये 24 फरवरी को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। यहाँ पर वो कुछ समय के लिए रहेंगे। इसके बाद वापस 7 अप्रैल को फिर कर्क राशि में आ जाएंगे और 6 जून 2025 तक रहेंगे। यानी मंगल का गोचर कर्क में रहेगा, मिथुन में रहेगा और फिर वापस कर्क में रहेगा, और अंत में वो 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर ये 231 दिन का समय है, 7 महीने और 18 दिन का समय, काफी लंबा समय है। तो ये गोचर इसीलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि इतने लंबे समय के लिए मंगल का गोचर होने वाला है। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले इस गोचर के विषय में बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए, कि आपके लिए गोचर किस प्रकार से प्रभावित रहेगा, कैसे परिणाम आपको देखने मिलेंगे। देखिए दर्शकों, आपके तो राशि स्वामी ही मंगल बनते हैं। मंगल का राशि स्वामी होकर कर्क राशि में गोचर करना, नीच राशि में गोचर करना, तो कुछ सावधानियां बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि आपकी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आपके अंदर क्रोध हावी हो सकता है, गुस्से में आवेश में आकर आप किसी को अपशब्द बोल सकते हैं, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए आप, अन्यथा दिक्कतों में पड़ेंगे आप। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये गोचर इस मामले में बहुत भाग्यशाली है आप कि करियर में ग्रोथ देगा, क्योंकि मंगल 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र का तनाव कम होगा, कोई प्रमोशन अटका हुआ है तो मिल सकता है, क्योंकि उच्च दृष्टि से देखेंगे दशम भाव को, तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि को दिखा रहा है ये समय। आप अपने करियर में ग्रोथ प्राप्त करेंगे, ये समय भाग्यशाली रहेंगे इस मामले में आप। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात ये भी है कि मंगल आपके लिए राशि स्वामी बनते हैं, साथ में अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, तो इस समय थोड़े आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। इस मामले में सावधान हो जाइए, कोई क्षति आपको ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, आगे देखें तो ये चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होगा आपकी राशि से, तो मित्रों से सावधान रहिए। आपके दोस्त कोई आपको धोखा दे सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, मित्रों से खास सावधान हो जाइए। ज्यादा जिन पे विश्वास करते हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखिए, वही आपको धोखा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, आपकी माताजी की सेहत बिगड़ सकती है इस समय में। अपनी माँ की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, उनको अगर कोई परेशानी है तो उनका चेकअप करवाइए, उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर देखिए, व्यापारियों के लिए स्थितियाँ अच्छी बनेगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा और ये व्यापार में वृद्धि को समय दर्शा रहा है। व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी आपकी, व्यापार की परेशानियां खत्म होगी, अच्छा काम धंधा चलेगा, प्रॉफिट भी अच्छा गेन करेंगे आप। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये समय प्रॉपर्टी लेते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चतुर्थ से गोचर करेंगे, कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है, कोई कागजी कार्यवाही में आप फंस सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी से रहकर कोई प्रॉपर्टी लें, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं आप। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर ये सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। अपने क्रोध पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखिए, अन्यथा जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होने का समय है ये। जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद है तो उसे बैठकर सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये है कि सरकार से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सरकारी कोई टेंडर वगैरह मिल सकता है आपको, अगर आप इस ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप प्रयास करिए। सरकार से जुड़कर आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे और कॉन्टेक्ट से उनसे आपको लाभ भी होगा, ये समय अच्छा दिख रहा है। इसके आगे चर्चा करें दर्शकों, तो यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव आपके आय भाव पर भी रहेगा। अष्टम दृष्टि आय भाव को प्रभावित करेगी, तो पैसा तो अच्छा आएगा,
पर मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ को लेकर, आपके गुस्से को लेकर। आपके एक तरह से आप धैर्य रख लेंगे, गुस्से पर नियंत्रण रख लेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेंगे तो ये गोचर आपको लाभ भी बड़े पहुंचाएगा। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपको जरूर लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से थर्ड हाउस में मंगल का गोचर होने वाला है। थर्ड हाउस में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि पराक्रम का भाव है और मंगल भी पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए एक तरह से ऊर्जा का संचार तो करेंगे, आप मेहनत काफी अच्छी करेंगे, आपके अंदर नया जोश देखने को मिलेगा, निराशा जो छाई हुई है वो दूर होगी। आप अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। भाई बहनों से थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, पर कोई वाणी में आवेश में आकर आप उनका दिल मत दुखाइए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। आगे देखें दर्शकों, तो भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से ये समय अच्छा है। पैसा अच्छा आएगा आपके पास, सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी, अच्छा गेन करेंगे आप, कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हैं, ऐसी पूरी संभावनाएं बन रही है। आगे देखें दर्शकों, तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके द्वादश भाव के भी मंगल मालिक बनते हैं, तो खर्च बढ़ सकते हैं। किसी को पैसा बिल्कुल उधार मत दीजिए। आप किसी को अगर ब्याज पे पैसा देंगे, उधार देंगे, तो वो पैसा आएगा नहीं, फंस जाएगा। किसी की गारंटी मत लीजिए, किसी के मामले में आप गारंटर मत बनिए, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं आप। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर रहेगा, उच्च दृष्टि रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, नो डाउट आपका भाग्य साथ देगा, रुके हुए कामों में तेजी भी आएगी क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं, जोश जुनून के कारक हैं। आप अपने पराक्रम से आपका भाग्य बनाएंगे, इस समय में किस्मत आपका साथ देगी। इसके बाद दर्शकों आगे देखें तो सरकारी लोगों के लिए समय काफी अच्छा है। सरकार से आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकार में आपका पद बढ़ने वाला है, ऐसी पूरी स्थिति बन रही है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है, आपके पॉलिटिकल करियर में आप ग्रोथ करेंगे, अच्छी स्थिति बन रही है। इसके बाद देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी समय काफी उपयुक्त रहेगा क्योंकि आपके देखिए नवम भाव और दशम भाव दोनों को एक्टिव करेंगे मंगल, तो व्यापार में अच्छी सफलताएं मिलेगी आपके लिए। कोई भी परेशानी की स्थिति नहीं बन रही है, बस गुस्से पर नियंत्रण रखना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर एक चीज ये है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है क्योंकि विवाह भाव के मालिक भी मंगल बनते हैं आपकी कुंडली में, और मंगल का नीच राशि में होना वैवाहिक जीवन में कलह को दर्शाता है। आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाकर चलें, कोई भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से दूर रहिए, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं आप। आगे देखा जाए दर्शकों, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, खर्च बढ़ेंगे इस समय में, या तो आपके खर्च बीमारियों पर लगेंगे या फिर आप शौक पूरे करने के चक्कर में पैसा उड़ाएंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा फिर आगे आप आर्थिक तंगी से सामना करना पड़ेगा आपको। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा, काफी चीजों में आपको लाभ भी करवा रहा है, परंतु सावधानियां रखनी भी जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर भी जाइए, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि की। मिथुन राशि की बात करें तो देखिए मंगल का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है, ये महाधनी योग बन रहा है आपके लिए क्योंकि आपके आय भाव के मालिक बनते हैं और षष्ठ भाव के मालिक बनते हैं। आय भाव के मालिक का धन भाव में आना अच्छी स्थिति है, बड़ा पैसा आपके पास आएगा इस समय में, आर्थिक उन्नति का समय रहेगा, अच्छा धन लाभ होने वाला है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो, धन के मामले में गोचर कमजोर नहीं है, अच्छा धन लाभ आप करने वाले हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सेकेंड हाउस हमारे कुटुंब का भी होता है, तो यहाँ पर परिवार में कलह का कारण बन सकता है। नीच राशि के मंगल हैं, देखिए मंगल का गोचर भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है, परंतु नीच राशि के हैं तो वो कलह का कारण भी बनाएंगे, तो अपने परिवार में कोई झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद छिड़ सकता है या फिर आपकी वाणी के कारण आपके परिवार में झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखिए, वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है। आगे देखें दर्शकों, तो यहाँ पर आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा, खाने पीने की अगर बुरी आदतें हैं आपको तो सावधान हो जाइए, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर भी रहेगा और मंगल षष्ठ भाव के भी मालिक बनते हैं, तो आपका पैसा लग सकता है, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है शेयर सट्टे में। अगर आप गलत आदतें हैं, आपको गेमलिंग करते हैं आप, तो इन सब से दूर रहिए। शेयर बाजार का भी नॉलेज नहीं है तो दूर हो जाइए क्योंकि इस समय में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है धन का, विशेष सावधान रहने की जरूरत है। शेयर सट्टे में बिल्कुल भी पैसा मत लगाइए, पैसा आपका नुकसान में चला जाएगा।
आगे देखा जाए दर्शकों, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति को ये गोचर दिखा रहा है, क्योंकि मंगल नीच राशि के होकर पंचम को देखेंगे तो यहाँ पर आपके शक के कारण रिश्ता खराब होगा, आपकी वाणी के कारण रिश्ता खराब होगा, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ना आए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आगे देखा जाए दर्शकों, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी रहेगा। अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव है, ये आकस्मिक धन लाभ तो जरूर करवाएगा आपको बिजनेस में, नौकरी में, परंतु अगर नॉलेज नहीं है तो इन चीजों में मत पड़िए, इसीलिए मैं शेयर मार्केट से दूर रहने का कह रहा हूं आपको। और एक विशेष सावधानी ये रखनी है कि आपके लिए यहाँ पर चोट चपेट की संभावनाएं बन रही है, गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखिए, अन्यथा आपके लिए दुर्घटना के योग बन सकते हैं। आगे देखा जाए दर्शकों, भाग्य साथ देगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि है, शनि वहां पर बैठे हुए हैं अपनी राशि के, तो भाग्य तो आपका साथ देगा, रुके हुए सारे कामों में तेजी भी आएगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक हैं, तेजी के कारक हैं, तो वो भाग्य का साथ तो दिलाएंगे, बस सावधानियां रखनी जरूरी है इस गोचर में। और एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हनुमान जी की शरण में रहिए, आप जितना हनुमान जी की आराधना करेंगे ये गोचर उतना ही लाभ आपको पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के हिसाब से काफी अच्छा है ये गोचर, धन भाव में मंगल का गोचर लाभ जरूर करवाएगा। एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि पैसा किसी को उधार मत दीजिए, षष्ठ भाव के मालिक का नीच का होना आपका पैसा फंसा देगा, विशेष सावधान रखिए। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए इस गोचर को समझें तो धन अच्छा आएगा, पर पैसा किसी को देना नहीं है। दूसरी बात, गलत तरीके से पैसा कमाने का सोचना नहीं है, नहीं तो ये पैसा नुकसान में चला जाएगा, इस बात को आप गांठ बांध दीजिए। कुल मिलाकर अच्छा है समय, बस सावधानियां रखनी जरूरी है। अब दर्शकों बात करते हैं अगली राशि की। कर्क राशि की बात करें तो देखिए, मंगल का गोचर आपकी राशि पर होने वाला है, ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं और आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए दर्शकों, ये समय आपके अंदर नई जोश जुनून पैदा जरूर करेगा, आपके अंदर जो निराशा छाई हुई थी वो दूर होगी, आप अपनी मेहनत पर ध्यान दे पाएंगे, ये समय उस हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पर उपलब्धियां प्राप्त करने का समय रहेगा, आप अपने करियर में ग्रोथ हासिल करेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे गवर्नमेंट में हैं, चाहे व्यापार करते हैं, हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने का ये समय रहेगा। इसके साथ ही साथ इस बात को आपको समझना होगा कि अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है आपको, तो इस समय में आपकी जॉब लग जाएगी, आपको प्रयास करना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, साथ ही अगर प्रमोशन अटका है तो वो भी प्राप्त हो जाएगा इस समय में। इसके बाद देखिए दर्शकों, व्यापारियों के लिए ये समय तो एक तरह से स्वर्णिम काल रहेगा, क्योंकि व्यापार भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि है, व्यापार शानदार चलेगा, बड़े प्रॉफिट आपके व्यापार में होने वाले हैं। साथ ही एक बात का ये भी है कि यहाँ पर आपके गुस्से को नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको क्रोध बढ़ाएंगे, घमंड बढ़ाएंगे, आवेश बढ़ाएंगे, तो इन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। क्रोध में आकर, चिड़चिड़ेपन में आकर किसी को गलत मत बोलिए, रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके, या फिर आपके लड़ाई झगड़ों से दूर रहना होगा आपको, व्यर्थ के वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना ये गोचर आपके लिए लाभ देगा। अगर आप दूसरों के पंगों में जाएंगे तो फिर दिक्कतों में पड़ जाएंगे, किसी से जितना भी क्रोध आए, जो भी आए, अपने तक ही सीमित रखिए, दूसरों को बोलेंगे तो झगड़े होंगे आपके। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर देखिए फोर्थ हाउस पर दृष्टि रहेगी मंगल की, तो सुख सुविधाओं के लिए गोचर बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई जमीन आदि का सौदा कर सकते हैं, उस मामले में आप भाग्यशाली हैं, आपके अंदर कोई ना कोई सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीद सकते हैं, ऐसी इच्छा जागृत होगी और आप करेंगे भी, वो पूरी स्थिति बन रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए ये है कि आपके परिवार में आपके कारण कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि अशांति का कारण बन सकता है, मंगल आवेश के कारक ग्रह हैं, तो आपके अंदर का गुस्सा शांत रखना होगा, माँ की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, आपकी माता जी की सेहत प्रभावित हो सकती है इस समय में। साथ ही दर्शकों एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर भी है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, परंतु जीवन साथी के साथ झगड़े हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कद्र करिए, उनको समझने का प्रयास करिए, और जो भी वाद विवाद है उन्हें बैठ कर सॉल्व करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा फिर आपके वैवाहिक जीवन में काफी तनाव हो सकता है। आगे देखें दर्शकों, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा आपको। 8th हाउस पर मंगल की दृष्टि है और शनि वहीं पर बैठे हैं, तो ये दिक्कत परेशानी है आपके लिए। सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप ड्राइव करते समय केयरफुल हो जाइए, एक्सीडेंट का योग बन रहा है, या तो आपके लिए दुर्घटना का योग हो सकता है, या फिर कोई ऑपरेशन हो सकता है, पूरी संभावनाएं बन रही है, तो इन मामलों में ध्यान रखिए, गाड़ी चलाते समय विशेष सावधान हो जाइए, शराब पीकर गाड़ी चलाना तो बहुत बड़ा संकट ला सकता है, इस मामले में बहुत सतर्क हो जाइए। साथ ही दर्शकों,
हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। इससे हर कष्ट को हर लेंगे हनुमान जी आपके और जीवन में शुभता लाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिए, जरूर आपको लाभ होगा। धैर्य बनाकर चलिए, घमंड में आकर, आवेश में आकर कोई भी गलत निर्णय मत लीजिए, गलत लोगों को मत बोलिए। ये सावधानी रख लेंगे तो ये गोचर बहुत अच्छे लाभ भी पहुंचाएगा आपको। बात करते हैं अगली राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये गोचर आपके द्वादश भाव में होने वाला है और आपके लिए भी ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके लिए भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल, और साथ ही साथ आपके चतुर्थ के मालिक भी बनते हैं। भाग्य के स्वामी को द्वादश में बैठना, कुछ मामलों में तो बहुत लकी रहेंगे आप, परंतु सबसे पहले मैं सावधानी की बात करता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य थोड़ा साथ कम देगा। भाग्य के स्वामी का नीच का होना आपके लिए संघर्षों को बढ़ाएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्रोध आपका बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा। तो क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, धैर्य रखें, पेशेंस रखना सीखना होगा आपको इस समय में। साथ ही दर्शकों यहाँ पर यात्रा होगी आपके लिए, यात्रा से अच्छी स्थिति बनेगी, यात्रा से लाभ भी होगा। विदेश जाने के इच्छुक हैं, कोई नौकरी प्राप्त करनी है विदेश में, तो उस हिसाब से ये गोचर अच्छा है आपके लिए, विदेश जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही दर्शकों एक बात का ये भी है कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए तो ये समय काफी उपयुक्त है, विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता मिलने वाली है। अगर कोई आप कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए, तो ये समय आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपके खर्च बढ़ेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, गलत खर्च पैसा आपका न लग जाए इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर गलत संगत से दूर रहिए, आपकी संगत के कारण आपके अंदर व्यभिचार की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है, गलत संगत के कारण आप भटक सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं तो भी अपने चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, भटकने की पूरी संभावना है, फिर आप फंसेंगे बुरी तरह। इसके बाद देखिए दर्शकों यहाँ पर आपके थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, तो भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर बनाकर चलिए, उनके साथ वाद विवाद ना हो तो अच्छा है आपके लिए। हालांकि मेहनत आप अच्छी करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा तो पराक्रम ही आपको बनाएगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इसके बाद दर्शकों यहाँ पर ऋण मुक्ति के लिए समय उपयुक्त है, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो आपके इनकम सोर्स जनरेट होंगे और धीरे धीरे आप कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कोई व्यक्ति जुड़ेगा जिससे आप ऋण मुक्ति हो पाएंगे, आपके कर्जों से आप बाहर निकलने की शुरुआत हो जाएगी इस गोचर से। साथ ही दर्शकों यहाँ पर एक चीज अच्छी ये भी है कि आपका पैसा बढ़ भी सकता है अगर आप सही दिशा में लगाते हैं। एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा दर्शकों कि 7th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, तो जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े के पूरे संकेत दिख रहे हैं। अपने खुद के व्यवहार पर नियंत्रण रखिए, जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करिए, अन्यथा दिक्कत बढ़ सकती है। अगर आप देखिए शनि वहां पहले से ही बैठे हुए हैं, तो अगर पहले से ही आपके रिश्तों में दरार चल रही है तो शांत हो जाइए। इस समय में कोई भी एक गलत निर्णय आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और आपके सेपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है, तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा सावधान रहने का समय रहेगा ये। आगे देखें दर्शकों तो जीवन साथी की हेल्थ भी इस समय में थोड़ी खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ विवादों को टालें, सेपरेशन की नौबत ना आए इस बात का ध्यान रखें। आगे देखें दर्शकों तो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है, अगर खुद का बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ग्रोथ करेंगे। व्यापारियों के लिए समय उपयुक्त है, व्यापार में अच्छा लाभ जरूर होगा, बस पार्टनरशिप में काम करते हैं तो सावधानी रखिए, पार्टनर आपको धोखा ना दे दें इस बात का ध्यान रखिए। आगे देखा जाए दर्शकों तो ये गोचर आपके लिए देखिए हर मामले में उपयुक्त तो है, धन के मामले में उपयुक्त है, विदेश यात्रा के मामले में उपयुक्त है, बिजनेस के मामले में काफी अच्छा है। सावधानी कहाँ है, वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी है, ऋण आपका पैसा डूब ना जाए इस मामले में सावधानी रखनी है। ये सावधानियां रख लेंगे तो ये गोचर अच्छा निकल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, अच्छा लाभ आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं अगली राशि की। कन्या राशि वालों के लिए स्थिति को समझें तो देखिए आपके लिए अष्टम और पंचम के मालिक बनते हैं मंगल, और आपके लिए ये समय बहुत शानदार रहेगा धन के मामले में, क्योंकि आपके आय भाव में मंगल का गोचर होगा। अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है आपको, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, कोई बड़ा पैसा आपके हाथ लग सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। चाहे आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हो जहाँ इजी गेन होता है, वो ऐसी स्थिति बन रही है, या फिर आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी पहले से ले रखी है, उसे अगर आप बेचेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। इसके बाद देखिए दर्शकों यहाँ पर व्यापार में तेजी आएगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, व्यापार में रुकावटें थी तो दूर होगी, व्यापार आपका शानदार चलेगा और व्यापार में धन अर्जन काफी अच्छा होता तो दिखाई दे रहा है इस 7 महीनों में। आगे देखें दर्शकों तो शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा लाभ होने वाला है, अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आगे देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का
कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है। अगर आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिली हुई है तो वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करवा सकती है, अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। आगे देखा जाए दर्शकों तो मंगल का प्रभाव आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पर देखिए धन की स्थिति तो मजबूत है, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपके आपके पारिवारिक रिश्तों में। यहाँ पर आपकी वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि नीच राशि के मंगल आपकी वाणी को उग्र बना देंगे। गुस्से में आप आकर परिवार के दिल मत दुखाइए लोगों का, अन्यथा दिक्कतों में बढ़ सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं आपके। आगे देखा जाए दर्शकों तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस से संबंध मंगल का बनेगा, तो थोड़ा बहुत आपके पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा आपको। और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो रिश्तों में मधुरता बनाकर चलिए, गुस्से में आकर पार्टनर का दिल मत दुखाइए। आगे देखा जाए दर्शकों तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आपके संतान से भी हो सकती है आपको। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर थोड़े नासमझ हैं, तो उनको ज़्यादा आपका स्ट्रिक्ट होना उनके साथ रिश्ते खराब कर सकता है, उन्हें प्यार से समझाने का प्रयत्न करिए। इसके बाद देखिए दर्शकों यहाँ पर विद्यार्थियों को बड़ा लाभ होगा। जो स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार हैं। उच्च की दृष्टि रहेगी मंगल की, वो आपके करियर में ग्रोथ करवाएगी। अगर आपकी कोई परीक्षा आ रही है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये समय आपकी शिक्षा में ऊंचाइयां प्राप्त करने का रहेगा। आपकी जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी इस समय काफी उपयुक्त है। इसके बाद देखिए दर्शकों यहाँ पर ऋण मुक्ति के रास्ते खुलेंगे आपके लिए, ये अच्छी स्थिति है। अगर आप कर्जों में फंसे हुए हैं तो अब आपको अवसर मिलेंगे, धीरे धीरे आप कर्ज से बाहर निकल पाएंगे। आगे देखा जाए दर्शकों तो देखिए छठे भाव पर भी मंगल का प्रभाव है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहिए, दूसरों के झगड़े में आप मत पड़िए, अन्यथा दिक्कत बढ़ेगी आपकी, क्योंकि शनि वहां पहले से ही बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है, तो ये आपको लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप फिर कोर्ट केसेस में उलझ जाएंगे, कोई ना कोई पंगे हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए दर्शकों यहाँ पर एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते समय विशेष सावधान रहिए, आपका कोई ना कोई चोट चपेट की संभावना बन रही है, दुर्घटना के योग बन रहे हैं, तो खास ध्यान रखिए गाड़ी चलाते समय। तो कुल मिलाकर सावधानियां रखने का समय है ये। आर्थिक पक्ष में कोई कमी नहीं है, अच्छे धन लाभ होंगे आपको, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे लाभ होंगे, बस सावधानी रखनी बहुत जरूरी है आपको। गाड़ी चलाते समय व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अगर ये सब कर लेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त हो जाएगा, और इन 7 महीनों में आपको बड़ा धन लाभ जरूर होगा। हनुमान जी की शरण में रहना आपके लिए भी बहुत उपयुक्त रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे भी आपके जीवन में बहुत शुभ की शुरुआत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दर्शकों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी की राशियों की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।